यह चादुमानी और रोहित हॉलिक के खिलाड़ी शिवमानी जैसे बदस इस पर विशेष नजर रहेगी हर बच्चे की जैसे नंबर 11 मधुरिक शर्मा बैठे हैं खिलाड़ी जैसे नंबर 12 विजय हेमरा गोलिया चार मुझे लगता है जैसे नंबर 13 जी हाँ जैसे नंबर 13 गोलिया चार आज रूपा कोटे और डिफेंसर में भेजा गया है जो राइट डिफेंडर में नजर आ रहा है इस मैच पर जैसे नंबर 5 और सुधा मोर पर जैसे नंबर 2 और कीपर के तौर पर नजर आ रहा है विजय हेमरा वही पीएल ब्रदर्स की ओर से सभी की बधाई निर्मल सोरेन गोलकीपर सिमला जैसे नंबर 15 राइट डिफेंडर सागर जैसे नंबर 4 मैंने चौपाल और गणेश जैसे नंबर 9 लेफ्ट राहुल जैसे बच्चे और एक मौका आपके पास होगा कि हमारे बीच दो या तीन आए हुए हैं अगर आप चौकी रहे फुटबॉल के तो आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं दोनों यूट्यूब बंधु को अरे ग्लैंस करोगे यूट्यूब बंधु आप अपना परिचय इस समय तक थोड़ा सा भेजिए ताकि आपका बहुत ही सुंदर पीए ब्रदर जो टीम पूरा से प्रसिद्ध और आक्रमण कर रही है इन टीम का परिचय है पीए ब्रदर की पोशाक पर रहना सुनने वाली साधु मराठी एक समय साधु माली ये ग्राउंड साधु माली के तौर पर जानी जाती थी और आज फॉर्मर प्लेयर बन चुके हैं काफी एक समय के आगे के सबसे तीसरा फॉर्मर के खिलाड़ी भी खेले जाते थे साधु माली जब मैं साधु का नाम ले रहा हूँ तो लोग एक बार जरूर अपने मन में इस बात को जरूर लेकर आ रहे होंगे साधु माली का होम ग्राउंड है ये मगर आज काफी लंबा सफर तय किया था साधु माली ने प्रैक्टिस और नतीजा आगे थे आज खिलाड़ियों की अगर थोड़ी सी गलती अभी तक नजर डाले तो सर युवा खिलाड़ी है और जो सामने अभी तक मैं देखा है मौके खास कर रहे हैं बाकी टीम को
लेकिन इतने होंगे जैसा लग रहा है मौके मिलने वाले होंगे जहाँ जहाँ कपड़े जो पकड़ कर रखे हैं कृपया छोड़ दें, हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं
आपसे निवेदन करेंगे आपका कपड़े को छोड़कर बैठे, काफी ऊंचाई पर नहीं दी हुई है, आराम से भी इस्तेमाल ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पीएल ब्रदर, पहला गोल पीएल ब्रदर लेकर आए थे। रंजन माथोपुर चले आए अभी हम बात करें सिंह की मधुरूप की साथ में साधु मरण देखिए Thank you.
तो खेला था बगना बारका था बगना खेला ही था। तो चलो मैदान पर मैदान में टीम एक का मुकाबला चल रहा है। कंपटीशन तो चाहिए टीम के लिए एक अच्छे इस तौर पर ध्यान रखा आपको आज शाहरुख की भी जादू चली है साथ में मधुरूफ के द्वारा टीम के लिए जो पहला बनाने का गोल आया था जीतने में कामयाब रहे। गति काफी कम धूप काफी ज्यादा लग रही है ठंड के मौसम में पहली दफा इस तरह की धूपे महसूस हो रही है। आज मौसम का जो बदलाव हुआ है ग्लोबल वार्मिंग आप एक नाम से डब्ल्यू एच जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक चीज के अनाउंस करी थी कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है इसका बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है चार पांच दिन पहले ही एक बदले बदले लग रहे थे बारिश भी होने की संभावना थी लेकिन बारिश नहीं हुई इस बार। और अभी से लग रहा है शंकर की अभी मौसम ऐसा है तो निश्चित है ये मार्च अप्रैल में क्या होने वाला है अभी से सभी दर्शक सोच रहे हैं। टाइम पीछे चल जा रहा था तीन घंटे के लिए आप दोनों टीम जेएमबी बेटापुर और मोहतर बदर सीनियर जैसे जैसे आएंगे बच्चे हो गए हो रहा है। अगर आटा गीला हो जाए तो क्या बनाएंगे आप खुद समझते हैं।
रूपा एक माजी उठाए बहुत ही पास डीजे आउटपुट शॉट सर टोस्ट कर दिया जाए। थैंक यू। केवल मुख्यालय मैदान में आएंगे गेम को बाहर रख दीजिएगा अपने साथ को दे दीजिएगा आपको मैदान में नया गेम कमेटी से फुट कराई जा रही है। गोलकीपर के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं था ये अपनी गेंद को लेते हुए। अगर राहुल के पास गेंद आ जाती तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन आना थोड़ा सा करेगी और बेकार से कीप के मेन टू मेन देने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस तरह का बेकार पास खेलेंगे तो आपकी टीम के लिए प्लेयर का जवाब की स्थिति आ जाएगी। तीन रन के लिए बिल्कुल अभी जो भी समय बचे हैं कोशिश करिए गोल पोस्ट तक ले जाने की जितना ज्यादा गोल पोस्ट के करीब रहेंगे और उसी क्रम में एक हैंडबॉल सेंटर सर्कल के अंदर होता हुआ ये प्रयास करते हुए बहुत ही सुंदर पुनः बार आगे बढ़ने के क्रम में है। रेहान स्पोर्टिंग ऑडिशा ये मौका बन सकता है चौथी गोल आ सकती है ये भी बाहर ही ऐसा लगता है कि और गोल नहीं करना चाहते हैं या फिर मिस हो रही है ये तो हो जा रहे लेकिन हमारे यहाँ से एक चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहा हूँ कि कुछ अलग नजारे पुनः एक बार ब्रदर की एक गोल हो जाती है तो पूरा क्या होगी कुछ पाने के मौके नहीं मिलेगा जीतने में कामयाब रहे सीगू से मौका बन सकता पीएल ब्रदर सपोर्ट के कोई खिलाड़ी वर्तमान मौजूद नहीं बतवाना अच्छा आगे बढ़ते हुए जमीनी गेंद लेकिन इस तरह की गेंद अब तौर पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर है आगे मौका पीएल ब्रदर जमीनी गेंद इसका कोई फायदा नहीं बाबू आप प्राइवेट ट्रेक पर खड़े हैं वहां से कितना नीचे उतर रहा है।